आईने में और एक खिड़की में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों कांच की बनी है। एक आईने में अगर आप देखो आपको अपनी ही परछाई दिखाई पड़ती है, एक खिड़की के भीतर आप देखने की कोशिश करो तो आप खिड़की के पार देख सकते हो, और खिड़की के पार जब देखते हो आपको सूरज दिखाई पड़ता है, आपको घास दिखाई पड़ती है, आपको चहचहाती चिड़ियां दिखाई पड़ती है, आपको खेलते बच्चे दिखाई पड़ते हैं, और दोनों कांच है, दोनों कांच है। फर्क क्या है एक खिड़की में और एक आईने में, मैं बताता हूं। एक खिड़की साफ है और एक आईने को अगर आप देखते हो तो एक तरफ कालक पुती है। अगर कालक पोत दोगे तो फिर खिड़की आईना बन जाएगी और फिर आप खिड़की के पार नहीं देख सकते, फिर आपको दुनिया नहीं दिखेगी, फिर आपको सुंदरता नहीं दिखेगी, फिर आपको खूबसूरती नहीं दिखेगी, फिर क्या दिखेगा आपको? अपना चेहरा, और अपना चेहरा जैसा भी हो। अगर भीतर गंदगी है फिर आईने में गंदगी दिखती है, अगर भीतर कालक है तो फिर केवल कालक दिखती है, अगर भीतर नकारात्मकता है तो केवल नकारात्मकता दिखती है। और अगर एक आईना खिड़की में परिवर्तित हुआ, क्या बदला? कुछ भी नहीं, बहुत साधारण सा बदलाव था, छोटा सा बदलाव था, वो जो कालक पुती थी वो मिट गई, वो साफ हो गई, किसी ने मेहनत करके उसको साफ कर दिया, और अब वो आईना खिड़की बन गया, अब रंग दिखने शुरू हो गए, अब जीवन बदल गया, अब खुशी है, अब मुस्कुराहट है, तो ज्यादा बदलाव नहीं होगा। कांच कांच ही रहता है प्यारे, तुम ही रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 10 सर हो जाएंगे, 10 हाथ हो जाएंगे, 10 पैर हो जाएंगे, तुम ही रहोगे, तुम वैसे ही दिखोगे जैसे तुम हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे भीतर एक शांति की लहर और तुम्हारे चेहरे पे एक खुशी, जिसको मेरे गुरु कहते हैं शिव योगी का मतलब हर हाल में खुशी।